सोलन में भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उनके स्वागत में सोलन के पुराने बस स्टैंड से सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्र हुए। सोलन में इतने एक साथ कार्यकर्ता कई वर्षों बाद देखने को मिले, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि पूर्व में सोलन के विधायक रहे राजीव बिंदल में ऐसी कोई चुंबकीय ताकत तो जरूर है जो सभी कार्यकर्ताओं को एकत्र कर एक सूत्र में पिरो देती है। सोलन में भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उनके स्वागत में सोलन के पुराने बस स्टैंड पर सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। सोलन में इतने एक साथ कार्यकर्ता कई वर्षों बाद देखने को मिले, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि पूर्व में सोलन के विधायक रहे राजीव बिंदल में ऐसी कोई चुंबकीय ताकत तो जरूर है जो सभी कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर एक सूत्र में पिरोकर रख देती है। आज सभी कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से बेहद जोश दिखाई दिया, जो कई वर्षों पहले अध्यक्ष राजीव बिंदल के सोलन में होने पर दिखाई पड़ता था। राजीव बिंदल के अध्यक्ष बनने से सोलन की शिथिल पड़ी राजनीति को जैसे संजीवनी मिल गई। यही वजह रही कि सभी कार्यकर्ताओं ने सोलन में एक बार फिर से दिवाली मनाई, लड्डू बांटे, पटाखे चलाकर बेहद खुशी मनाई। जब भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल से पूछा गया कि आपका आने वाले समय में क्या टारगेट होगा और आपके टारगेट पर कौन रहेगा, तो उन्होंने कहा कि उनका एक ही लक्ष्य है कि संगठन जितना पैना होगा और गुणवत्ता पूर्ण होगा, फिर सामने वाला कोई भी आए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में और जिले में भाजपा को फिर से मजबूत करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे। उन्होंने कहा कि जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब फिर से संगठन को मजबूत किया जाएगा और जहां भी भाजपा कमजोर पड़ रही थी वहां उसे फिर से मजबूत किया जाएगा। राजीव बिंदल ने कहा कि उन्हें भाजपा ने बेहद महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व दिया है, आने वाले दिनों में संगठन को सहज कर रखना और चौकस करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। मुझे सौभाग्य मिला 2 साल विधानसभा के अध्यक्ष के नाते कार्य करने का और अपनी शक्ति अपने ज्ञान के अनुसार उस कार्य का निष्पादन किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने मुझे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद दायित्व देकर के कृतार्थ किया है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हिमाचल प्रदेश में श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और उस पार्टी के अध्यक्ष का दायित्व मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। संगठन नीचे से ऊपर तक चाक चौबंद है और हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे सतपाल सत्ती जी ने, हमारे संगठन मंत्री पवन राणा जी ने, सारी टीम ने बेहतरीन तरीके से संगठन को सजाया है। मुझे दायित्व मिला है आने वाले दिनों में उस संगठन को और चौकस करना, सहेज के रखना, ये मेरा दायित्व। सर, आपका टारगेट क्या रहेगा और टारगेट पे कौन रहेगा? एक चीज बहुत स्पष्ट है कि संगठन जितना पैना होगा, जितना गुणवत्तापूर्ण होगा, स्वाभाविक रूप से वही हमारा टारगेट है। और अगर संगठन पैना रहेगा तो किसी पर टारगेट रखने की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर साहब, जब तक आप सोलन से चुनाव लड़ते रहे, भारतीय जनता पार्टी सोलन में बड़ी मजबूत रही, 2007 में 5 सीटें जीती थी, लेकिन आपके नहान में जाते ही अब फिर मजबूत हो जाएगी, डंके की चोट पर हो जाएगी। कार्यक्रम में एक बार विभक्त चला, छोटे ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।